हाय गाइस, वेलकम बैक. दिस इज डॉक्टर हदी हियर. चैप्टर रिप्रोडक्शन बायोलॉजी से आज का चैप्टर, आज का टॉपिक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी इसको कहते हैं. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज क्यों किया जाता है, इसके इसका फ़ायदा क्या है, और टेक्निक्स भी आज में शामिल है कि किस तरह से इसको किया जाता है. इससे पिछले एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बे औलादी यानी इनफर्टिलिटी, औलाद का ना होना, बच्चे का ना होना, उस मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी. वहाँ पर मैंने बताया था कि मेल की वजह से भी हो सकती है बे औलादी और फीमेल की वजह से भी हो सकते, दोनों के जो है वो जुहात मैंने बताए थे. अब वहाँ पर जो ट्रीटमेंट था बे औलादी का, उनमें से एक ट्रीटमेंट, वैसे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें एक ये है टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी किन हालात में किया जा सकता है? नंबर वन, जब फीमेल, सबसे पहले फीमेल अंडा तो बना सकते हैं. अंडा कहाँ बनता है? अंडा फीमेल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. यहाँ पर बच्चादानी है जहाँ पर बच्चे ने 9 महीने तक यहाँ पर स्टे करना है. ये उसका वॉल है, यूटेरस का वॉल है. और इस यूटेरस के वॉल के बाहर अगर आप देखें तो यहाँ पर ओवरी है. इस ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? यहाँ पर फॉलिकल्स बन जाते हैं. ठीक है, फॉलिकल्स आमतौर पर जब हमने पढ़ा था, फॉलिकल्स यहाँ पर बन जाते हैं, छोटे छोटे से बुलबुले लाइक स्ट्रक्चर्स फॉलिकल्स बन जाते हैं. और उन फॉलिकल्स के अंदर फिर क्या पड़ा रहता है? उन फॉलिकल्स के अंदर अंडा पड़ा होगा. ठीक है, और क्या पड़ा होगा? अंडा. ये है ओवरी. ओवरी से अंडे ने नॉर्मली अभी तक तो मेरे स्टार्ट नहीं किया हुआ है. नॉर्मली क्या होता है कि ओवरी से जो अंडा है वो निकल के इस फॉलिकल से, चलो मैं इसका नाम ही ले देखता हूँ, फॉलिकल. ठीक है, ये फॉलिकल है. इससे अंडा बाहर निकल के इस ट्यूब में शामिल हो जाता है. इस ट्यूब से के अंदर होता हुआ, सफ़र करता हुआ, यहाँ पर स्पर्म के साथ उसकी मुलाकात होती है. अंडे का मुलाकात जो है वो स्पर्म के साथ होता है. फिर इधर क्या बनता है? जायगोट बन जाता है. वो जो जायगोट है वो नीचे उतरकर यहाँ पर जो यूटेरस वॉल है यहाँ पर ये 9 महीने गुजार के से बच्चा बन जाता है यहाँ पर. ऐसा सिलसिला है. अब अगर किसी फीमेल के अंदर ये जो ट्यूब है ये ब्लॉक हो जाए, अगर ये ट्यूब क्या हो जाए, ये ट्यूब अगर ये ब्लॉक हो जाए, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए, कई रीजंस हैं इनकी, लेकिन वो ब्लॉक हो जाए तो फिर इसे क्या होगा, वो फीमेल अंडा प्रोड्यूस करके वो जा ही नहीं सकता, स्पर्म के साथ उसका मुलाकात ही नहीं हो सकता, तो बच्चा नहीं होता. दिस इज़ वन रीज़न. ये एक रीज़न है जिसके लिए हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं. रीज़न नंबर दो, अब मेल की तरफ आते हैं. मेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. अगर वो स्पर्म्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा कम हो, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी कि एक मेल नॉर्मल कितना स्पर्म बनाते हैं, ठीक है, वो मिलियंस में होते हैं, तो वो जब इसकी तादाद कम हो, बहुत लो हो, नॉर्मल रेंज से कम हो, तो उस वक्त वो भी जो है बच्चे नहीं दे सकता. बच्चों के लिए मेल के लिए लाजमी है कि उनकी स्पर्म की तादाद अपने नॉर्मल रेंज से काफ़ी ज़्यादा हो, सफिशिएंट हो, तब जाकर वो, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स मेल से आएंगे और फीमेल से एक अंडा होगा, उन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक स्पर्म को मौका मिलेगा कि वो अंडे के पास जाए. तो जब स्पर्म कम होंगे तो फिर ये इस तरह सूरत हाल नहीं हो सकती. तो ये दो रीज़न है जिसकी बिना पर हम लोग करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक. अब इसमें करते क्या, चले शुरू करते हैं. यहाँ पर हम फीमेल के बॉडी को एक इंजेक्शन देते हैं. उस इंजेक्शन के अंदर FSH होता है, यानी उसकी मदद से हम क्या करते हैं, उसके ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बन जाएंगे, बहुत सारे फॉलिकल्स बनेंगे. वो फॉलिकल्स जब बनेंगे तो उन फॉलिकल के अंदर जाहिर है एग्स मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, इनसे हम एग को निकाल देंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओवरी को मैंने दोबारा लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओवरी के अंदर वो फॉलिकल्स पड़े हुए जिसके अंदर अंडे है या एग है. माँ के जिस्म के अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर, उसका जो एब्डोमेन है, एक नीडल इंसर्ट करते हैं बाहर से, एक नीडल इंसर्ट करते हैं. ठीक है, तो बाहर से, अभी तो बाहर जब ये नीडल इंसर्ट करेंगे तो इसके ओरी के अंदर, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द नीडल, ये इंसर्ट करके उसे सक आउट करते हैं, एक लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड है होगा,
वो लिक्विड हम लोग सक आउट करते हैं. क्या लिक्विड? लिक्विड को हम लोग सक आउट करते हैं उस नीडल में. उस लिक्विड के अंदर क्या होगा? उस लिक्विड के अंदर ये एग्स मौजूद होंगे. ठीक है, एग्स. तो फॉलिकल का तो फ्लूइड है, उसमें हम लोग वो एग कलेक्ट करेंगे. यहां से जो एग हम कलेक्ट करेंगे उनको एक डिश, पेट्री डिश के अंदर रखेंगे. जैसे कि ये एक डिश है आपकी तरफ, ठीक है, पेट्री डिश है, यहां पर हम उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर देंगे. वो एग्स हम कलेक्ट कर देंगे. अब जो बहुत सारे एग कलेक्ट कर सकते हैं, एक दो कर सकते हैं, लेकिन ये कि सक्सेसफुल वो प्रोसेस हो जाए तो उसके लिए आप एक से ज़्यादा एग को भी कलेक्ट कर सकते हैं. फिर देखते हैं कि किस एग ने स्पर्म के साथ अपने आप को बाइंड किया हुआ है, कामयाब हो गया. अच्छा, ये एग यहाँ पर आ गए, अभी बाहर है, माँ के जिस्म के बाहर ये सिलसिला हो रहा है. यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर है उस मेल पार्टनर से हम स्पर्म ले लेंगे. स्पर्म लेना उसे बहुत आसान है वहाँ से, ठीक है, उसे कोई इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. वो जस्ट उनके लिए खास ट्यूब, लैब में खास ट्यूब दिया जाएगा, उस ट्यूब के अंदर अपने स्पर्म को देख देगा, प्रोड्यूस करेगा, वो निकाल सकते हैं बड़े आराम से. तो लगभग 100,000 स्पर्म्स वहाँ से लेते हैं, लेना चाहिए 100,000 स्पर्म्स. ये एक ट्यूब में जमा कर लेते हैं. जैसे हमारे पास ये ट्यूब है, इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर स्पर्म्स मौजूद हैं. यहाँ से स्पर्म को निकाला जाएगा. अच्छा, टाइमिंग, अंडा जब आपने रखा तो फौरन आप उसमें स्पर्म नहीं डालेंगे. प्रोटोकॉल के मुताबिक 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे के बाद आपने वो स्पर्म यहाँ पर अपने यहाँ पर आप ऐड करेंगे. लेकिन स्पर्म के अंदर आपको पता है उसके अंदर लिक्विड है, उसके अंदर बहुत सारे और भी चीज़ें हैं स्पर्म के अंदर, तो उसको पहले साफ़ किया जाता है, बाकायदा उसकी वॉशिंग होती है, ठीक है, बाकी जो लिक्विड वगैरह उसको अलग किया जाता है, जो स्पर्म बच जाते हैं वो स्पर्म यहाँ पाएगा. ठीक है, तो काफ़ी वॉशिंग प्रोसेस होता है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है. इसके दौरान जब वो प्योर हो जाते हैं स्पर्म, जब स्पर्म हमारे पास प्योर हो जाते हैं तो फिर उनको हम लोग इस ट्यूब के अंदर डाल देते हैं. अब उसको टाइम देते हैं, ठीक है, एग्स एंड स्पर्म कंबाइन, अभी अब कंबाइन मिल जाएंगे टू अलाउ फर्टिलाइजेशन. अब वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है. सपोज पासबुक में कहता है कि एक अंडा, तो आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन काम हमारा क्या, मेन काम यह है कि एक अंडा होगा, उसके साथ स्पर्म मिल जाएगा. जब स्पर्म अंडे के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, ये सबको पता है, जायगोट बनेगा. स्पर्म और अंडे से क्या बनेगा, जायगोट. अब आप देखिए वही पेट्री डिश यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप देखें ना तो इस वक्त ये जो दायरा आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जायगोट है जो कि यहाँ पर बन चुका है. अब जायगोट आपको पता है जायगोट क्या है, जायगोट एक सिंगल सेल है, एक सेल है. जायगोट क्या है हमारे पास, सिंगल सेल है, इट इज सिंगल सेल. हम इस सिंगल सेल को इस पेट्री डिश के अंदर छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं ताकि ये डिवाइड करे. अच्छा, बाज बुक में लिखा हुआ है 3 to 5 days उनको रखा जाता है, बाज में कहता है 2 to 3 days रखा जाता है, बाज में तो सिर्फ 2 days रखा. सो ओवरऑल 2 से 4 दिन रखा जाएगा उसको, ठीक है. अब लिखा केप्ट फॉर 2 to 3 days या 4 days, बाज बुक में लिखा हुआ है 4 days. तो आपने इसको इधर रखना है ताकि ये अपने को डिवाइड करे, एक सेल से 2 हो जाए 2 से 3 हो जाए, इस तरह से. अब देखिए ये एक सिंगल सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो फिर ये कुछ देर के बाद क्या करेगा, डिवाइड होगा 1-2 सेल में, फिर ये 2 से 4, 4 से 8, इतना 2 से 8 सेल, या तो जब ये 2 सेल हों या ये 8 हों, इतना स्टेज तक. ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा हो जाए 20 सेल तक, नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू बुक्स कि जब ये 2 से 8 सेल्स तक हो जाए, या 2 सेल हों या 8 सेल का स्टेज हो, फिर आप इसको यहाँ से उठा सकते हैं. तो फिर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. हम ये जो हमारे पास एक सेल का जायगोट का स्टेज है, इसको फीमेल के वजाइना के थ्रू, विजाइना, दिस इज़ द विजाइना ऑफ द फीमेल, इसके थ्रू जो है हम वो जो जायगोट बना हुआ है उसको यहाँ पर इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है. आर्टिफिशियली आपने उसको रख दिया, यहाँ पर जायगोट आ जाएगा, इस यूटेरस के दीवार के साथ अपने आप को अटैच कर देगा, बिल्कुल अब नेचुरल तरीका हो जाएगा, कुदरती तरीका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा.
ठीक है, ये यहाँ पर ग्रो करना शुरू हुआ। यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने छोटे छोटे एरोज लगाए हुए हैं। ये क्यों लगाए हुए हैं? ये स्टेजेस है, यानी इस पर एक स्टेज आएगा, दूसरा स्टेज है, वो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है जिसमें इसके जिस्म में हज़ारों की तरह में सेल्स बनेंगे, फिर उसके जिस्म में 3 लेयर्स बनेंगे, वो आज उसकी ज़रूरत नहीं, वो माँ के जिस्म के अंदर उसकी जिस्म की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बॉडी पार्ट्स बनेंगे, ब्रेन बनेगा, हड्डियाँ बनेंगी, पूरा जिस्म बनेगा। तो उस वक्त बच्चा जो है मुकम्मल तौर पर 9 महीने के बाद कम्प्लीट शेप में इसी यूटेरस बच्चेदानी में आएगा और उसकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डिलीवरी भी हो सकती है, ऑपरेशन करके भी आप इसको निकाला जा सकता है। लेकिन इस दौरान इस औरत को प्रोजेस्ट्रॉन भी दिया जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन एक ऐसी दवाई जैसे हार्मोन है जो इसकी हिफाजत करेगा, 9 महीने तक इस यूटेरस बच्चेदानी को की हिफाजत करेगा। किस चीज़ से? ताकि यहाँ पर इस बच्चेदानी में ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ यहाँ पर आ जाए, इधर अच्छा खासा खून आ रहा, खून के अंदर खुराक है, ऑक्सीजन है, तो जब तक अच्छा खासा खून इधर आ रहा है बच्चे की डेवलपमेंट होगी। तो ये कौन करता है? ये प्रोजेस्ट्रॉन करेगा। तो वो जो औरत है उसको डॉक्टर जो है वक्तन जो है उसको चेक करेगी और प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी भी उसको देगी, डिलीवरी होगी। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, ये ऐसा भी हो सकता है कि कपल मिसाल के तौर पर बाज़ अवकात ऐसा भी हो सकता है, ये बाज़ कुछ एक्टर्स लोग ऐसा ही करते हैं, मुझे वैसे ये मैं आपकी दिलचस्पी के बता रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है वैसे ये तरीका, आई डोंट लाइक दिस। उसमें क्या है कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है। अब फीमेल को बच्चा चाहिए लेकिन वो अपने पेट में उसको नहीं रख सकती, तकलीफ है, पता है क्या है, वो नहीं रख सकती लेकिन उसको बच्चा पसंद है। तो फिर ये क्या करेंगे, एक दूसरा फीमेल जो वॉलंटियर हो, जो जिसके पास जो परमिशन दे दे, इजाज़त दे दे कि हाँ मैं तैयार हूँ आप लोगों का बोझ कहे क्या कहे उठाने के लिए, लेकिन बच्चा है तो बोझ नहीं है, बहरहाल एक नियामत है बच्चा, लेकिन हम लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बार आपको मैं बता रहा हूँ। इससे ये जो औरत है इससे अंडा निकालेंगे और ये कौन है, हस्बैंड है, हस्बैंड से स्पर्म निकालेंगे, इनके स्पर्म और अंडे को मिलाएंगे, जैसे यहाँ पर हो रहा है टेस्ट ट्यूब बेबीज ना, इनको इधर मिलाएंगे, हालांकि इधर वो इनफर्टाइल नहीं है, ये अवला दे सकते हैं, ठीक है, वो तो मजबूरी थी ना, माँ बाप का मसला तो नहीं हो रहा था, नेचुरल नहीं हो रहा था, ये मस्ती है, ये मजबूरी नहीं है। तो इसको दिस वन जो जैगोड बना किसी दूसरी औरत के पेट में डाल देते, किसी दूसरी औरत के पेट में डाल देते, उसको ख़र्चा देते हैं, ये लो भाई खर्चा, लो इलाज करो जो भी है, कुछ पैसे भी देंगे, वो बच्चा इसके पेट में पलता जाएगा, बड़ा होएगा, तो जब वो बच्चा इस दुनिया में आएगा उसकी डिलीवरी हो जाएगी, वो जो छोटा बच्चा है उसको बस इनके हवाले किया जाएगा, ठीक है, इलाक पसन। तो ये भी एक टेक्निक है, ठीक है। अच्छा जनाब, ये जो बच्चा है इसकी माँ ये है असल माँ, जो इसके पेट में से वो कर लिया, लेकिन इसके अंदर तो जेनेटिक मटीरियल है, DNA है, वो इन दोनों का है। अब ये बच्चा इस माँ को छोड़ रहा है, इसके पास आ रहा है, ना ये इसको अपनी माँ की का ओरिजिनल प्यार मिलेगा इस बच्चे को, ना ये बच्चा इन दो के साथ उस तरीके से रह पाएगा, लेकिन बच्चा रहेगा ठीक है, बड़ा हो जाएगा, नॉर्मल रहेगा, लेकिन आई डोंट थिंक, मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कोई साइंटिफिक कुछ भी इसके नहीं है, मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि पता नहीं इस तरह का क्या होगा, ये अजीब सा होगा भारत, ठीक है। सो ये था एक बड़ा प्यारा सा वीडियो लेक्चर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आप कपल हो, अल्लाह ताला करे कि सारे जवानों को जो है वक्त पे जो है शादी करने का मौका मिल जाए, जो भी कपल्स हों, मेरी दुआ है कि नेचुरल तरीके से औलाद हो जाए और अल्लाह ताला सब लोगों को नेक साले औलाद दे, क्योंकि वो फिर उसी माँ बाप के लिए एक किस्म का सवाब का ज़रिया बन जाता है। माँ बाप मर जाते भी नेक और साली औलाद हों तो उसका जो है
सवाब फिर भी अपने माँ बाप को मिलता जाएगा अगर वो इस दुनिया में अच्छे काम करे, वो एक नेक औलाद हो। तो नेक औलाद जब तक जिंदा है, माँ बाप मर गए हैं, फिर भी माँ बाप के अकाउंट में नेकियाँ जो है वो आती रहेंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस बंदे को भी, जो लोग जिनका औलाद नहीं है, अल्लाह उनको औलाद दे नेक साले, और जिनका है उनको जो है बना दे नेक और साले बना दे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये इस वीक का एक वीडियो लेक्चर था, नेक्स्ट वीक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।